भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले के एक छोटे से गांव गुना में जन्मा एक बंदा। पेशे से वो बंदा एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था। उसकी एक सुंदर सुशील लड़की से शादी हुई जिसका नाम डॉक्टर कविता था। वो दोनों अपने वैवाहिक जीवन से बहुत खुश थे। वो उनके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक हादसा हो गया जिससे वो बंदा अंदर से पूरी तरह से टूट गया। उसकी पत्नी की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। वो बंदा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसकी पत्नी की मौत के बाद वो बंदा डिप्रेशन में चला गया और डिप्रेशन में एलोपैथिक लेने लगा। अपने हाथ से शरीर को नशा देने वाली इंजेक्शन लगाने लगा। महीनों तक वह बंदा नशे में डूबा रहा जिससे उसकी तबीयत रोज ज्यादा खराब होने लगी। फिर एक दिन उस बंदे ने सोचा कि बस बहुत हो गया नशा, अब कुछ तो अलग करना है। उस बंदे को पेड़ पौधों से बचपन से ही लगाव था और बढ़ते वायु प्रदूषण और घटते पेड़ पौधों की चिंता हमेशा रहती थी। पर्यावरण से लगाव होना उनकी पिताजी की देन थी। इस बंदे ने पर्यावरण बचाने के लिए विश्व भर संदेश देने का बीड़ा उठाया, दुनिया को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का मन बना लिया और साइकिल से विश्व की यात्रा करने का मन बना लिया जिसका शीर्षक था व्हील्स फॉर ग्रीन, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के प्रति मानव जाति को प्रोत्साहित करना। कहते हैं कि इंसान कुछ भी कर सकता है, नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। ऐसे नामुमकिन को मुमकिन बनाने की जिद इस बंदे ने ठान ली। 5 सितंबर 2016 को शिक्षक दिवस पर इस बंदे ने अपने स्कूल से इस यात्रा को शुरू किया और चल पड़े साइकिल से विश्व की धरती नापने। साइकिल से वर्ल्ड टूर करना नामुमकिन लगता है, लेकिन इस बंदे ने इस नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए घर से 5 सितंबर 2016 को चल दिए और पहले भारत की यात्रा की और उसके बाद उसकी यात्रा बढ़ती गई। भारत के सभी राज्य कवर करने में उसको लगभग 6 महीने लग गए और उसके बाद उसने भारत के पड़ोसी देश और दक्षिण एशिया के देशों की यात्रा शुरू कर दी। साल का यह बंदा बताता है कि धरती पर उनका अकेला साथी साइकिल पर लगा एक भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला एक मात्र तिरंगा और उसमें लगा चक्र ही उसका साथी है। विश्व साइकिल यात्रा में उसको कई बार परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। रात में विश्राम करने के लिए कई बार वहाँ के स्थानीय लोग रहने को जगह दे देते हैं तो कई बार सड़क के किनारे पेट्रोल पंप या कहीं और टेंट लगाकर रात व्यतीत करता है तो कई बार गुरुद्वारा, मंदिर या अन्य सार्वजनिक जगह पर रहने को मिल जाता है। इस यात्रा के दौरान 2 बार उसके साथ लूट भी हो चुकी है, लेकिन यह बंदा का मानना है कि इन सब के लिए मैं मेंटली तैयार रहता हूँ। मुझे पता है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन 2% हरामखोर तो हर जगह मिल ही जाते हैं। ये सब इस यात्रा का हिस्सा होता है। अब तक 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है इस बंदे का। अब तक एक बार मलेशिया में किसी महिला ने उसकी साइकिल को पीछे से टक्कर मार दी जिससे वो चोटिल हो गया था तो कई दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा और उसकी साइकिल भी टूट गई थी जिसका रिपेयर का खर्चा भी वो बंदा अपने जेब से उठाता है। इस विश्व साइकिल यात्रा मिशन के लिए उसने अपनी जमीन प्लॉट तक बेच दिया और वो इस यात्रा को पूरा कर रहा है। उसका टारगेट 200 देश की यात्रा का है जिसमें से वो अभी 54 देश पूरे हो चुके हैं और अभी 55वां देश साउथ अफ्रीका में है। आगे 2030 तक उनका अनुमान है कि वो अपना मिशन पूरा कर लेंगे और अंतिम देश पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान की यात्रा पूरी होने के बाद वाघा बॉर्डर से हिंदुस्तान में प्रवेश करेगा। इतनी कड़ी मेहनत करने वाले बंदे का नाम है डॉक्टर राज फंडेन, जिसे साइकिल बाबा के नाम से जाना जाता है। मैं भी एक सफर में निकला हूं कि आप सभी को ऐसे ही सफल लोगों की स्ट्रगल स्टोरी सुनाऊं और आपको भी एक सफल व्यक्ति बनाऊं। बोल देना मुसीबतों से तेरा बाप आ गया है मुझे मोटिवेट करने और तुझे हराने के लिए, तो आओ यार मिलकर कुछ बड़ा करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।